हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का 2022 का क्वेश्चन नंबर 16 से। अगले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं, क्या करना है कि x के किन मानों के लिए फलन y बराबर इतना का मान ह्रासमान है शो करा है। तो इसका करा ह्रासमान ज्ञात कीजिए जब फंक्शन गिवन है y बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसका ह्रासमान ज्ञात करने के लिए फंक्शन का क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 5x का डिफरेंशिएट 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब इतना करने के बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी बाई बाई डी एक्स बराबर 0 करते हैं। अब डी बाई बाई एक्स का वैल्यू क्या निकला, 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना 5/2। ए इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। अब ये x का वैल्यू फाइंड हो गया, तब यहाँ पे हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। किस पॉइंट पे, तो 5/2 से x बराबर क्या है 5/2 a कर दिए। अब 5/2 आने के बाद यह कितने पार्ट में बट गया, दो पार्ट में। इधर का पार्ट क्या ना 5/2 से बड़ा क्या होगा 3। अब 3 इसमें पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और माइनस 5 तो क्या मिलेगा 1, वो रिजल्ट क्या में आया पॉजिटिव में। जब ए साइड का वैल्यू इसमें पुट करते तो क्या आता है पॉजिटिव में, तो ए पॉजिटिव आया तो ए क्या आएगा निगेटिव, अल्टरनेट चलता है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से, और ए हो गया। तो ए निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला पार्ट को स्टिकली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग या बोलते हैं। अब हमें कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, एक घट रहा है और एक क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और इसमें कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ह्रासमान ह्रासमान बिंदु लिख लीजिए, ह्रासमान बिंदु क्या हो जाएगा x इजकल टू 5/2, और अब ह्रासमान मान हम लोग फाइंड करेंगे। तो ह्रासमान मान फाइंड करने के लिए यह जो पॉइंट है यह पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, कितना 5/2 के होल स्क्वायर माइनस में 5/5/2 और प्लस में 3, और इसको सॉल्व कर देते कितना हो जाएगा 25/4 माइनस में 25/2 प्लस में 3, एलसीएम लो 4, तो कितना आ जाएगा 25 और माइनस में 50 प्लस में 3 दूना 4 3 12, ये आ गया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो माइनस में 25 और प्लस में 12 इक्वल टू 4। अब इसको घटा ले तो माइनस में 13/4, तो ह्रासमान मान क्या आ जाएगा माइनस में 13/4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। 17 को सॉल्व करने के लिए क्या रहना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाई माइनस में एक्स डी बाई बाई डी एक्स दे बराबर में 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दे 2/2 और प्लस में 2 डी बाई बाई डी एक्स ए कर ले। अब बाई वाला टर्न को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा बाई माइनस में 2/2 इक्वल टू माइनस वाला टर्न इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स डी बाई बाई डी एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा 2 dy/dx ये हो गया। अब ये दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या बाई, तब बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में 2y, यह बचेगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है dy/dx, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा क्या 2, और dy/dx क्या कह ले कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ किसके बाद क्या करो बाई वाला टर्म को dy और dx को अलग कर दो, dx को अलग कर देते हैं और बाई वाला टर्म dy को अलग कह लेते हैं, dx और dy अलग हो गया। अब y वाला टर्न को dy तरफ कर दे और x वाला टर्न को dx तरफ, तो 1/x प्लस 2 dx, अब बराबर में क्या हो जाएगा ये वाला टर्न 1/y इंटू 1 माइनस 2y और dy, और ये हो गया। अब y वाला टर्म dy तरफ हो गया और x वाला टर्म dx तरफ हो गया, तो दोनों तरफ क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दी तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कितना फैक्टर में है, दो फैक्टर में है।
तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग करें क्या, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग रूल जानते हैं, लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे वन बटा बाई इंटू वन माइनस टू बाई बराबर क्या ए बटा बाई प्लस बी बटा वन माइनस में टू बाई, ये लेट करते हैं और यहाँ पे रह जाएगा बाई इंटू वन माइनस टू बाई और बराबर एलसीएम लेंगे बाई इंटू वन माइनस टू बाई, तो ए बराबर हो जाएगा वन माइनस टू बाई प्लस बी इंटू बाई ए हो गया, एलसीएम एलसीएम कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे लिख लेते हैं वन बराबर और ए मिल जाएगा ए ए वन माइनस में टू बाई प्लस में बी बाई। अब यहां से ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू पुट कर ले क्या जीरो और यहां पर हो जाएगा वन, जीरो पुट करेंगे तो क्या वन इंटू ए ए और जीरो पुट किए तो जीरो, तो ए का वैल्यू क्या मिल गया वन। अब पुट कर ले बाई इक्वल टू क्या ना वन पुट कर लीजिए, क्या पुट कर लीजिए वन, तो वन पुट करेंगे तो वन यहाँ पे माइनस टू और प्लस वन तो माइनस वन, तो माइनस में ए मिलेगा माइनस में ए और प्लस में क्या मिल जाएगा बी वन, ए का वैल्यू क्या ना वन तो वन रख देंगे और प्लस में बी तो माइनस वन इधर आके टू, तो बी का वैल्यू क्या फाइंड हो गया टू। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए तो वन बटा एक्स प्लस टू और ए लिख लेंगे डी एक्स बराबर में और वन बटा बाई इंटू वन माइनस टू बाई को क्या हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बाई अब प्लस में बी बटा वन माइनस में टू बाई और ये हो जाएगा डी बाई। इसका इंटीग्रेशन कह ले तो क्या लॉग मॉड क्या हो जाएगा एक्स प्लस में टू बराबर एक कांस्टेंट है रह जाएगा तो वन बटा बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड बाई होगा प्लस बी कांस्टेंट है रह जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड वन माइनस में टू बाई और प्लस में लॉग में क्या हो जाएगा सी लॉग लॉग को रहने दीजिए लॉग एक्स प्लस में टू बराबर ए का वैल्यू क्या ना वन है तो इसको रहने देंगे लॉग बाई अब बी का वैल्यू क्या ना टू टू और यहाँ पे x के y के साथ क्या गुना था माइनस हाफ था माइनस हाफ क्या हो जाएगा गुना तो इसका इंटीग्रेट किए तो y के साथ माइनस टू तो माइनस टू से क्या होगा डिवाइड होगा अब प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस b का वैल्यू टू और पहले से दो था और ये हो जाएगा लॉग मॉड वन माइनस में टू बाई और प्लस में लॉग c। अब एक कर देंगे लॉग x प्लस में टू और यहाँ पे दो दो कट गया माइनस वाला टर्म के धर लिया है क्या हो जाएगा प्लस में लॉग मॉड वन माइनस में टू बाई और बराबर में और ये रह जाएगा लॉग बाई और प्लस में लॉग में सी तो ये सूत्र लग गया लॉग एम प्लस लॉग ए तो ये यूज कर देंगे लॉग एम इनटू में एन और ए हो गया बराबर में लॉग ए भी सूत्र लॉग एम प्लस लॉग एन तो क्या हो जाएगा बाई इंटू सी लॉग लॉग कैंसिल तो मिल जाएगा एक्स प्लस में टू इंटू वन माइनस टू बाई बराबर में बाई इंटू सी ये हो गया सर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18 क्या कराना इसका करा सॉल्व कीजिए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे डी बाई बाई डी एक्स प्लस में टू टेन एक्स इंटू बाई बराबर में क्या साइन ए लिख ली इसको इक्वेशन फर्स्ट समझ ली तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ई के पावर में पी डी एक्स होता है और ए लिख लेंगे ई पी के जगह पर क्या है ना टू टेन एक्स और डी एक्स ये लिख लेंगे और टू और ई और टू कांस्टेंट रह जाएगा और टेन एक्स का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं लॉग मॉड क्या हो जाएगा सेक एक्स होता है और ई तो एन लॉग एम तो क्या हो जाएगा लॉग एम पर पावर एन तो ई मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स या गुना पावर में चल गया ई पर पावर लॉग मतलब ई लॉग कैंसिल क्या मिलेगा केवल वेरिएबल सॉरी बेस sec स्क्वायर x तो क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम लोग चल देते हैं क्या से समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट टर्म हम लोग इन समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं और क्या लास्ट टर्म लेते हैं
समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो इंटरेक्टिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, LHS में भी और RHS में भी, ये हो गया। अब ध्यान दे, बाई सेक स्क्वायर एक्स रह गया, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में चेंज हो जाएगा और डी एक्स इधर क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। साइन को वैसी रहने दिए, सेक को चेंज कर दीजिए क्या में, कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा बाई में सेक स्क्वायर एक्स बराबर में एक साइन एक कॉस, क्या बन जाएगा टेन एक्स, एक कॉस बचा वापस ऊपर कर दीजिए तो क्या में बन जाएगा सेक एक्स डी एक्स, और बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर में सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस में सी, ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 19 में क्या कराना, सिंपल है, करा दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात इतना और इतना दिया हुआ। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना रेखा L1, इसको समझिए, रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो, तो रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या मतलब दिक अनुपात की बन है 1:1 और 2। अब रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो की बन है, रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो क्या की बन है √3 - 1 और माइनस में √3 - 1 और क्या गिवन है 4, ये गिवन है, ये रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कह लेंगे, मान लेंगे रेखा L1 और रेखा L2, L2 का डायरेक्शन रेशियो रेखा L1 और रेखा L2 के बीच का कोण मान ले क्या है थीटा है, तो बीच का कोण थीटा है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं क्या ना, कॉस थीटा बराबर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू और प्लस में सी वन सी टू बटा में अंडर रूट ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर और अंडर रूट ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस में सी टू स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और ये हम लोग लगा देंगे कॉस थीटा ए वन या ए वन है सॉरी रेखा एल वन का ए वन बी वन सी वन है, ए टू बी टू और सी टू है, तो ए वन का वैल्यू रख दे 1 × और क्या हो जाएगा बी वन √3 और माइनस में 1 और प्लस में बी वन भी वैल्यू 1 दिया हुआ और बी टू क्या दिया हुआ और माइनस में √3 और माइनस में 1 और प्लस सी वन क्या गिवन है 2 और सी टू गिवन है 4, ये लिख दी अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर करेंगे √3 - 1 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में √3 - 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व कर ले, कॉस थीटा क्या जाएगा √3 - 1 और प्लस में इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में √3 और 1 × -1 - 1 और 4×4 = 8 ये आ जाएगा अंडर रूट 4 × 5 = 6 √6 अंडर रूट। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर तो करेंगे अब प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2√3 ए आ जाएगा अब प्लस में ए भी चला देंगे फॉर्मूला से तो 3 + 1 और प्लस में 2√3 आएगा नहीं और ये हो गया प्लस में क्या 16 तो प्लस में √3 प्लस में 2√3 ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या बचेगा कॉस थीटा = √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा तो -1 - 1 क्या -2 और प्लस में 8 बचेगा प्लस में 8 और ए बटा में रह गया √6 और इसको सॉल्व करें 3 × 4 = 7 + 7 = 8 ये आ जाएगा अंडर रूट 8 + 16 तो 8 और 16 कितना डायरेक्ट लिख दे 24 तो एक कॉस थीटा = ऊपर में घटाएंगे तो 6 अंडर रूट 6 तो 24 को लिख सकते 6 × 24 तो 4√2 और 6 रह जाएगा तो 6/√6 × √6 = 2 कॉस थीटा 6 कैंसिल हो गया और बच गया क्या ना कॉस थीटा = 1/2 तो कॉस थीटा को रहने दीजिए तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2
कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, मतलब दोनों रेखा L1 और रेखा L2 के बीच का कोण क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। 60 डिग्री का रेडियन हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या पाई बाई 3 बीएम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20। 20 में क्या करा कि के का मान ज्ञात करें जिसके लिए सरल रेखाएं इतना तथा इतना परस्पर क्या है लंब है। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो हम लोग लिख लेंगे, मान लेंगे दिया हुआ रेखा L1 का, रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। तो यह रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है -1 के और 2। फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो। तो यह रेखा L2 इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है K गिवन है, 2 गिवन है और माइनस में 3। तो रेखा L1 और रेखा L2 दोनों का डायरेक्शन रेशियो लिख ले। अब हम लोग यहाँ पे गिवन है कि रेखा L1 परपेंडिकुलर है किस पे, रेखा L2 पर, तक K का वैल्यू फाइंड करें व्हाट। तो जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर है तो हम लोग सभी जानते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2 इक्वल टू क्या होता है 0। दोनों डायरेक्शन रेशियो, दोनों रेखा के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लीकेशन कर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है 0। कब, जब दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हो तब। तो A1 वैल्यू गिवन है -1, A2 क्या गिवन है K, प्लस B1 क्या गिवन है K, अब B2 2 प्लस में C1 गिवन है 2 और C2 गिवन है क्या -3 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करें -k अब प्लस में 2k अब -6 बराबर में 0। सब्ट्रैक करें तो प्लस में k -6 बराबर 0, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। जब दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर होगा तो k का वैल्यू क्या आएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21। 21 में क्या कराना कि वेक्टर ए गिवन है क्या ना -4i कैप 7j कैप -11k कैप एंड वेक्टर बी भी गिवन है (11i कैप) प्लस में (j कैप) प्लस में (k कैप) और करा ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करते कैसे हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से करते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम लोग लिख लेंगे डिटरमिनेंट आई जे और के। वेक्टर ए के कोफिशिएंट मतलब गुणांक लिखेंगे -4, 7 और -11। वेक्टर बी के कोफिशिएंट लिखेंगे 10, 1 और क्या ना 1, ये लिख लिए। अब इसको जरा हल कर ले आई और इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के जानते हैं 7 गुना 1 7 और माइनस में 1 गुना 11, तो क्या आ जाएगा -11 प्लस माइनस में 6 कैप। तो ये -4 गुना 1 तो माइनस में 4 और माइनस 10 गुना 11, तो क्या आ जाएगा प्लस में 110 प्लस में के कैप और ए एक गुना हो जाएगा -4 गुना 1 -4 और 1 7 2 10 तो माइनस में 7 2 10 गुना 7 70 आ जाएगा और ये मिल गया। अब इसको घटा ले तो माइनस में 4i कैप और एक घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 106j कैप नहीं 106j कैप और यहाँ पे मिल जाएगा -74k कैप। तो क्या मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वही तो फाइंड करने के लिए कर रहा है केवल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22। 22 में क्या करना बहुत सिंपल है, करा एक सिक्के को कितना बार 4 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितना बार 4 बार, ठीक कहा जा रहा है ठीक 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करें अगर एक बार सिक्का को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या घटेगा हेड और टेल और ए घट गया। तो यहाँ पे क्या ना चीत और पट होता है, तो चीत आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकता है 1/2 और टेल आने की प्रायिकता क्या हो सकता है 1/2 ही। तो इसको हम लोग को ठीक 3 बार चीत आने शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे जितने की प्रायिकता तो जितने की प्रायिकता यहाँ पे या इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे प्रॉबर्टी कितना बार उछाला गया है तो पी एक्स इजकल टू एन और ये हो जाता है एन सी आर इंटू पी पर पावर आर इंटू क्यू आर में
एन माइनस में आर, ये सूत्र होता है कितना बार टॉस किया गया, तो चार बार टॉस किया गया, तो कितना बार आने की, तीन बार शीर्ष आने की, मतलब आर बराबर कितना, थ्री बार, क्या ना शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, आर इजकल टू थ्री, तो यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे एक्स इजकल टू कितना बार टॉस कर रहे हैं, चार बार, और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तीन बार शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी, तो एन के जगह पे क्या रख देंगे फोर और आर के जगह पर थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी शीर्ष, तो क्या हो जाएगा पी, पी की प्रोबेबिलिटी क्या ना वन बाई टू और आर का वैल्यू क्या ना थ्री इंटू क्यू, क्यू क्यू का वैल्यू क्या ना वन बाई टू और एन का वैल्यू फोर और आर का वैल्यू क्या जाएगा थ्री, और ये रख ले। अब इसको सॉल्व कर ले तो फोर सी थ्री इंटू में वन बाई टू के पावर क्या थ्री इंटू वन बाई टू के पावर कितना वन, और ए लिख ले। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, यहाँ पे लिख लेते फोर सी थ्री इंटू में वन पर वन बाई टू पर पावर थ्री, वन बाई टू पर पावर वन, तो ए लिख देंगे वन बाई टू पर पावर कितना फोर, तीन आए क्या हो जाएगा चार, और फोर सी थ्री को लिख सकते फोर और वन बाई टू को कितना बार, चार बार गुना करेंगे क्या आएगा सोलह, और एक कट गया तो क्या है चार, तो वन बाई फोर, तो ए एक चार बार उछालेंगे तो तीन बार शीर्ष आने की प्रॉबिलिटी क्या होगा वन बाई फोर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23। 23 में क्या करा, निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामर समस्या को हल करें, करा व्यावरोध जब दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 2y और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर गिवन है 2x प्लस में 3y का क्या करा अधिकतमीकरण मैक्सिमाइज करा फाइंड करने के लिए, मैक्सिमाइज मान मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें, सो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना हम लोग को सबसे पहले क्या ना ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रा करने से पहले इस इक्वेशन को क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, क्या ना संगत समीकरण क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में 12, उसके बाद हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा, एक टेबल बना लेंगे और x और y, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 4 3 या 12, y का वैल्यू 3, अब y बराबर अगर 0 रख दिए तो क्या मिल जाएगा 4, ये आ गया, अब टेबल बन गया, टेबल बनने के बाद अब हम लोग ग्राफ को ड्रा कर लेंगे, x एक्सिस और ये क्या y एक्सिस और x डैश और ए y डैश, यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं, अब x 0 तो y 3 यहाँ पे समझ ले, x 0 और y 3 और x 4 y 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए x 4 y में 0, अब ये दोनों पॉइंट को मिला दे और आगे तक खींच दे, तो ये हम लोग ग्राफ को ड्रा कर लिए, अब ग्राफ ड्रा करने के बाद अब कलर करेंगे, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब केवल कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर होगा, और ए कलर 12 से छोटा होना चाहिए, किसका वैल्यू x और y का, ये x है और ये y है, दोनों का वैल्यू 12 से छोटा किधर होगा, इधर होगा इधर, तो एक कलर होगा केवल ए वाला, और ये हम लोग क्या ना ग्राफ से इक्वेशन से कलर कह ले, अब एक कलर करने पर कलर पे पॉइंट क्या क्या आ रहा, ओ वो तो एक क्या ना ओरिजिन है और एक बिंदु ए आ रहा और एक बिंदु ए रहा, तो हम लोग मान ले ओ ए और बी, यह कलर पॉइंट इसमें रखेंगे, जेड बराबर क्या ना गिवन है 2x प्लस में 3y, अब हम लोग रखेंगे बिंदु, बिंदु पहले ओ रख लीजिए 0 0 पर 0 0 पर, तो जेड बराबर तो ये रखेंगे x के जगह पर 0 और y के जगह पर क्या रखेंगे 0, इसका रिजल्ट क्या आया 0, अब बिंदु रख लीजिए क्या ना a, a क्या है ना यहाँ पे 4 और 0 पर z बराबर, अब यहाँ पे रखेंगे क्या ना 2x के जगह पर 4 रखाएगा और y के जगह पर क्या ना 0, तो 4 दूना क्या मिलेगा 8, ये मिल गया हम लोग को, अब बिंदु रख लीजिए क्या ना बिंदु B रखेंगे, बिंदु B 0 और 3 पर z बराबर 2 इंटू 0, x के जगह पे 0 अब y के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 3, तो 3 तिया 9, तो इसमें ये जब तीनों बिंदु रखते हैं तो अधिकतम मान किस पे आ रहा है बिंदु B पर, तो ये आपका क्या हो जाए अधिकतम मान क्या आएगा 9, ये हो गया आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 24। 24 में क्या कराना कि r बराबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, शो करा है। तो यहाँ पे मान लेंगे क्या ना, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, तो खुद से मान लेंगे, माना वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त के त्रिज्या को क्या मान लेंगे, r, और क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल को मान लीजिए और गिवन क्या सो देखेंगे, तो त्रिज्या तो कह रहा है ना इसमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, मतलब डी ए बाई डी आर कह रहा है ज्ञात करने के लिए। व्हाट, जब जब आर इक्वल टू कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। सो तो ए कह रहा है जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किस रेट से चेंज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, और ए का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी ए बाई डी आर, और पाई रह जाएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या मिल जाएगा, टू आर, और डी ए बाई डी आर, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे आर बराबर क्या हो रहा है, आर बराबर 8, तो ए पाई इंटू टू और 8, इसको सॉल्व करेंगे आर दूनी 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 26। 26 में क्या करा, ध्यान देंगे, जब फंक्शन फलन करा एफ सच दैट एन डेंस टू एन, यह गिवन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, आच्छादक फलन है, जब गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 3x, और x बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। तो कह रहा है यह फंक्शन यह सेट पर क्या है, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डोमेन, डोमेन मतलब x, डोमेन क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर। फिर लिखते हैं को डोमेन, तो को डोमेन मतलब y, को डोमेन क्या गिवन है, नेचुरल नंबर ही। तो हम लोग फाइंड कर लिए डोमेन और को डोमेन, और यह फंक्शन को चेक करना ऑन टू, ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेंज। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेंज। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं बाई इक्वल टू एफ एक्स, और बाई को रहने दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू गिवन है 3x, और बाई अब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू है डोमेन, डोमेन क्या है, नेचुरल, नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। अब एक्स का मान 1 रखेंगे क्या आएगा 3, अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 2 = 6, 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9, 4 यहाँ रखेंगे तो 12, इस प्रकार से आएगा। तो क्या मिल गया, रेंज, क्या फाइंड हो गया, रेंज। तब देखिए यहाँ पर को डोमेन और इक्वल टू रेंज है क्या, तो रेंज है क्या, को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब 1, 2, 3, 4 है, रेंज क्या निकला 3, 6, 9, मतलब 1, 2, 5 ये सब नहीं है, 4, 5, तो ये दोनों इक्वल, कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल रहता तो कह देते यह फंक्शन क्या, अच्छा दक, कह देंगे एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मतलब यह आच्छादक फलन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 27। 27 भी बहुत सिंपल है, ध्यान नहीं कर रहा है, दो घटनाएं ए और बी के लिए पी ए गिवन है, क्या गिवन है, पी ए बराबर 0.8, पी बी गिवन है क्या ना, पी बी गिवन है 0.5, और पी बी अकर ए, ए गिवन है क्या ना 0.4, ए गिवन है। तो करा पी ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, पी ए यूनियन बी करा व्हाट, तो यह फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले सूत्र लगा लेंगे, पी ए बी अकर ए, पी बी अकर ए का सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, पी ए, पी ए क्या हो जाएगा, पी ए, बी अकर ए का फॉर्मूला क्या, पी ए। अब इसका वैल्यू क्या गिवन है, 0.4 इक्वल टू, और ये रहने देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए का वैल्यू गिवन है 0.8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते 0.3 आएगा 3 2,
और ए मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया। हम लोग क्या फाइंड करना, पी ए यूनियन बी फाइंड करना। तो पी ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो इसका सूत्र हम लोग सभी जानते हैं क्या, पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब पी ए का वैल्यू क्या गिवन है 0.8, पी बी का वैल्यू क्या गिवन है 0.5, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या गिवन है 0.32। अब दोनों को ऐड कर लेते, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 1.3 और माइनस में 0.32। अब इसको घटा ले तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0.98, और ए क्या मिल गया पी ए यूनियन बी। तो जब ए गिवन है, पी ए और पी बी गिवन है, और ए बी इंटर ए बी अगर ए गिवन है तो ए यूनियन बी क्या आएगा 0.98। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 28। 28 में क्या ना सिंपल है, कह रहा है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 9 या 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सो तो सबसे पहले हम लोग क्या ना दो पासे को फेंक रहे थे, सिंपल स्पेस ले गए, सिंपल स्पेस दो पासे के पहले 1 आया तो दूसरे पर भी 1 आ सकता, पहले पर 1 आया तो दूसरे पर 2, पहले पर 1 तो तीसरे दूसरे पर 3, 1 तो 4 और 1 और 5 फिर 1 और 6 इस प्रकार से। फिर क्या हो सकता है, दूसरे पर 1 दूसरे पर 2 तो पहले पर क्या, दूसरे पर क्या आ जाएगा 1, अगर पहले पर 2 आया तो दूसरे पर क्या 2, इस प्रकार से हम लोग को बनेगा। तो ये हम लोग को क्या मिल गया सिंपल स्पेस 6 6। तो ये सिंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की संख्या कितना 36। हम लोग जानते हैं दो पासे को जब फेंकेंगे तो इतना ही संभावनाएं घट सकता है। और एक करा इवेंट, तो यहाँ पे घटनाएं, घटनाएं क्या करा योगफल, दोनों पासे को फेंके तो योगफल 9 और क्या आनी चाहिए 10, तो एक एक 2 आएगा, यहाँ पर 1 और 6 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा और 7 ही मिलेगा, 2 और 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8, हमें क्या चाहिए 9, 3 या 6 जोड़ेंगे, 3 और 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, फिर अगर हमें 5 6 3 6 जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद क्या ना यहाँ पे जोड़ेंगे 7 आएगा और 8 और क्या जोड़ सकते हैं 4 5 जोड़ सकते हैं, फिर ये 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 नहीं चाहिए, फिर यहाँ पे क्या ना 5 और 4 5 4 जोड़ सकते हैं, फिर क्या ना 5 और 5 जोड़ सकते हैं, और क्या 5 और 6 कोई 6 और 4 जोड़ सकते हैं, 6 4 और कोई मिलेगा 6 4 और 6 3 भी जोड़ सकते हैं, 6 3 और कोई मिलेगा 6 3, तो इतना ही हम लोग जोड़ सकते हैं क्या ना 6 आने की, तो 9 और 10 आने की संभावना क्या हो सकता है, इतना ही इवेंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जब दोनों पासे को फेंकेंगे तो क्या आएगा 9 या 10 आएगा जोड़ने पर। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ इवेंट की संख्या क्या हो गया 6। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो नंबर ऑफ पीई, तो प्रोबेबिलिटी, तो 9 और या 10 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पीई बराबर एन ई बाई में एन एस, ए सूत्र लगाएंगे तो एन ई, एन ई कितना गिवन है 6 और एन एस नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36 गिवन है, कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1/6। तो ए हो गया 9 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/6 जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तब। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 29। इसका इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को लेट करना पड़ेगा क्या ना log x इक्वल टू टी, तो log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x dx और dt। हम लोग सभी जानते हैं जब वेरिएबल चेंज तो लिमिट भी क्या करेंगे चेंज करेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे a, तो क्या हो जाएगा log a इक्वल टू t, और x इक्वल टू क्या ना अब अपर लिमिट रखेंगे तो log b बराबर में क्या t, ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन आए, लोअर लिमिट a पर क्या आता है वैल्यू क्या ना यहाँ पे t बराबर log a आ जाएगा, और जब b रखते हैं तो क्या आता है ना log में b। अब log x को क्या मान चुके हैं t स्क्वायर स्क्वायर, और बटा में x dx, बटा में x dx का वैल्यू कितना dt, ये हो गया। अब इंटीग्रेट कर देंगे t पर पावर 2 मतलब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t क्यूब / 3, और कहां से कहां तक
लॉग ए से लॉग बी तक इंटीग्रेट करना है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, कांस्टेंट को बाहर कह लीजिए 1/3 टी क्यू, और लॉग ए से लॉग बी तक इंटीग्रेट करना है। तो अब 1/3 कांस्टेंट रह जाएगा, टी का पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट पुट कह ले, तो लॉग ए की होल पावर क्या हो जाएगा, यही हो गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन ए से बी तक क्या हो जाएगा, 1/3 लॉग बी के होल क्यूब माइनस लॉग ए के होल क्यूब, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 36 का। इसको सॉल्व कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे पावर वन सब पे पावर क्या है, वन है, तो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऐसा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं क्या ना, y बटा x बराबर क्या भी लेट करते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा x इंटू भी। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई वाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएट 1 तो v कांस्टेंट में, प्लस अब x को कांस्टेंट में रखेंगे v का डिफरेंशिएशन dv by dx। अब वापस क्वेश्चन चल दो, d by dx का वैल्यू क्या रख देंगे, v प्लस में x dv by dx बराबर में x, x रह जाएगा और माइनस में y का वैल्यू क्या x into v और x, और यहां पर y का वैल्यू क्या x into v, तो लिख लेंगे v प्लस में x dv by dx, और ये दोनों में क्या कॉमन x, तो 1 माइनस में v, और ये दोनों में क्या कॉमन x, तो 1 प्लस में v, x x कैंसिल, और ये लिख लेंगे यहां पर v प्लस में x dv by dx बराबर में क्या बच गया, 1 माइनस में v और 1 प्लस में v, रह जाएगा x dv by dx बराबर में 1 माइनस b और 1 प्लस b, प्लस वाला b को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में b, तो x dv by dx बराबर LCM लो 1 प्लस में b, तो हो जाएगा 1 माइनस b। अभी गुना करेंगे तो क्या आएगा ना, इधर LCM तो b और माइनस में b स्क्वायर ये आ गया, तो यहां पे इसको ना गुना की तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना माइनस में भी और माइनस में भी स्क्वायर, तो इसको ऐड कर लेंगे 1 माइनस में 2 भी और माइनस में भी स्क्वायर बटा में क्या रह गया 1 प्लस में भी और x dv by dx। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए इसको लिख दीजिए x dv को अलग कह लीजिए और माइनस जरा कॉमन ले ले, तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस में बटा में 1 प्लस भी, तो भी वाला dv को अलग कह लिए और dx को क्या कह लीजिए अलग, तो dv को अलग कह लिए और dx को भी अलग कह लिए। अब भी वाला टर्म को dv तरफ लाइए, तो 1 प्लस में भी और भी स्क्वायर प्लस में 2 भी और माइनस में क्या हो जाएगा 1 और एक dv बटा में 1 बटा x और dx माइनस माइनस रह जाएगा। अब दोनों तरफ क्या ना इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले v को लिख दीजिए फिर 1 को और नीचे में v स्क्वायर और 2v माइनस 1 dv बराबर में माइनस में 1 बाई x और dx ए है। अब यहाँ पे ध्यान दे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे क्या करेंगे, 2 से क्या ना गुना कह लीजिए अपने मन से और 2 से क्या कह ले डिवाइड, ऐसा क्यों वो हम लोग रुकिए समझ में आएगा, इसको लिख लेंगे भी स्क्वायर 2v और माइनस में 1 और dv बराबर में क्या है ना यहाँ पे माइनस में 1 बाई x, इसको रफ कह लेते हैं 1 बाई x और क्या हो जाएगा dx 1/2, इसको गुना कह ले तो 2v प्लस में 2 और नीचे मिल जाएगा v स्क्वायर 2v माइनस 1 dv, 1/x का इंटीग्रेशन क्या ना डायरेक्ट लिख दे log mod x
और ये हो गया। अब यहाँ पे 1/2 रह गया, नीचे का डीसी देखिए बैठ गया, एक भी स्क्वायर का डिफरेंस 2b और 2b का 2, 1 का तो कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, तो क्या लिखते हैं लॉग मॉड नीचे वाला फंक्शन भी स्क्वायर 2b माइनस में 1, और माइनस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में लॉग मॉड एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस में लॉग सी, तो ए बराबर में हो जाएगा और ए माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में लॉग मॉड एक्स बराबर में लॉग मॉड में सी, और ए हाफ ना पावर में जाएगा तो लॉग अंडर रूट क्या हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस में 2b माइनस 1 और प्लस में लॉग मॉड एक्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा लॉग सी, तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम, तो ए अंडर रूट भी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इंटू में एक्स बराबर में क्या ना लॉग सी, तो लॉग लॉग कैंसिल कर लीजिए तो ये बच जाएगा अंडर रूट भी स्क्वायर और 2b माइनस 1 इंटू एक्स बराबर में सी। अब भी का वैल्यू रख देंगे, भी का वैल्यू क्या ना, भी का वैल्यू यहाँ से बाई बटा एक्स बराबर क्या ना लेट किए थे भी, तो भी का वैल्यू क्या रखेंगे बाई बटा एक्स, यहाँ पे भी का वैल्यू बाय वाटा एक्स रख देंगे और ये क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। तो आज की क्लास इतना ही था स्टूडेंट, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से और वो भी क्वेश्चन नंबर 5 का, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 से, जो आपका 5 मार्क्स का दिया हुआ वो क्वेश्चन 31 32 33 के अगले लेक्चर में देखेंगे। आज की लेक्चर इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।